यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। तो ये तो ब्राह्मणों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उस संप्रदाय के हैं जहाँ पर कि सनातन धर्म का विरोध होता है। इनके यहाँ टीका, ये नाथ संप्रदाय के हैं मुख्यमंत्री जी, और वहाँ पर और जिस समाज के, ये भी सबको मालूम है, ब्राह्मण समाज से बिल्कुल विरोधी हैं, और इनके समाज में सनातन धर्म जो है उसको नहीं मानते सही। यूपी के चुनावी समर में बीएसपी ने भी अपने कदम तेज कर दिए हैं। यूपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा है। पार्टी के ब्राह्मण नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। कहा कि ब्राह्मणों का नाम सुनते ही इनका दिल जल जाता है। टीका लगाने वाले, चुटिया रखने वाले को नाथ संप्रदाय के लोग अपना दुश्मन मानते हैं। सीएम योगी इसी मठ के महंत हैं और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े चेहरे भी। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सीएम को घेरते हुए कहा, ब्राह्मण जो है, 500 हत्याएं अगर आप अपनी सरकार में ब्राह्मणों की करवा दें, 100 से ज़्यादा का इनकाउंटर ब्राह्मणों की करवा दें, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न जो इस सरकार में हुआ है। तो ये तो ब्राह्मणों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उस संप्रदाय के हैं जहाँ पर कि सनातन धर्म का विरोध होता है। इनके यहाँ टीका, ये नाथ संप्रदाय के हैं मुख्यमंत्री जी, और वहाँ पर और जिस समाज के, ये भी सबको मालूम है, ब्राह्मण समाज से बिल्कुल विरोधी हैं, और इनके समाज में सनातन धर्म जो है उसको नहीं मानते सही। जो टीका लगाता है, जो चुटिया रखता है, जो ब्राह्मण है, उसको नाथ संप्रदाय वाले अपना दुश्मन मानते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में बड़ी संख्या में मंदिरों के पुजारियों की हत्या हुई है, योगी राज में एक भी ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ने तो ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मान लिया है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, वो तो ब्राह्मणों की शक्ल तक नहीं देख सकते, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, और वो ब्राह्मण आपको मालूम है 100 से ज्यादा तो इनकाउंटर हो चुके हैं। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, वो बोले कुछ भी ना बोले तब भी, लेकिन अब की बार उसने मन बना लिया, जिस तरह से उसने 2007 में समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया था। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके मुताबिक सपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग बीजेपी के झूठे वादों में आ गए थे, अब वो जान गए हैं और आने वाले समय में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।